हेलो एज मैं हूँ मिस्टर न्यूज़ हैकर। चलिए आज बात करते हैं यूट्यूब से रिलेटेड कुछ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करते हैं सलोनी सिंह की। आपको तो पता ही सलोनी सिंह बहुत गालियाँ देती है अपने यूट्यूब वीडियो में, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि गालियाँ देती क्यों है। मैं जब जब सोचती हूँ कि आज से गाली बंद, तब ऐसा कुछ हो जाता है हमारी जिंदगी में और ये अपशब्द निकल जाते हैं हमारे मुख से, हम क्या करें बताओ। तो ये कारण था गालियाँ देने का। दूसरा एक और इशू है उनके इंस्टाग्राम से रिलेटेड। तो कुछ लोग हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट का फैन पेज बना के गलत फ़ायदा उठा रहे, पैसे मांग रहे लोगों से और वो दे भी देते हैं। तो इस बारे में सलोनी सिंह क्या कहती है और वो क्यों ब्यूटिक नहीं ले रही है इंस्टाग्राम पे? मैं बता रही हूँ कुछ लोग इतने भोंदू हैं, मतलब मेरे नाम पे जो फेक पेजेस है वहाँ पे पैसे दे के आ रहे हैं और जब कंप्लेन करना हो रहा है तो आ रहा है मेरे पास। क्यों? जहाँ तुम पैसे दे रहे हो उनको जाके कंप्लेन करो। मैं अपने पेज पे वेरिफिकेशन इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ अलग गोल्स हैं, मेरे को अभी वेरिफिकेशन चाहिए ही नहीं अपने पेज पर, ठीक है। और लोग बोलते हैं कि अच्छा तो अगर ऐसे तुम्हारे नाम पे कुछ भी गलत सलत हो रहा है हमारे साथ तो तुम वेरीफाई करा लो। पेज नहीं करा सकती मैं। यू शुड हैव दैट कॉमन सेंस कि कोई भी पोस्ट यहाँ पे पहले हो रहा है वहाँ पे बाद में हो रहा है तो दैट इज़ अ फेक पेज नॉट माइन, ठीक है। और आप पैसे वहाँ दे के आ रहे हो, कंप्लेन मुझसे कर रहे हो, क्यों हुए? मैं परेशान हुई इस चीज़ से। मैंने कई मतलब बहुत सारे पेजेस को डिलीट भी कराया है। अभी मैं काफ़ी दिनों से बहुत बिजी हूँ बाकी सारी चीज़ों में, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ तो एक दो पेजेस शायद छूट गए हैं जो ये सब चुतियाप कर रहे हैं, मत कर भाई। सेकंड अपडेट है वसीम अहमद, राउंड टू हेल के वसीम अहमद से रिलेटेड। तो उनका रिसेंटली एक व्लॉग आउट हुआ राजपाल यादव के साथ, हालांकि उसमें जयान और नाजिम नहीं दिखे, हो सकता है उन्होंने पहले कोई वीडियो शूट किया हो छोटा सा। तो इसकी एक छोटी सी झलक आप देख लीजिए। वही नेक्स्ट अपडेट है कैरी मिनाटी से रिलेटेड। आपको पता है कैरी मिनाटी भी बीमार चल रहे, तो उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करते कहा कि बीमार आदमी की डेस्क कुछ ऐसी दिखती है, तो उनके डेस्क पे कुछ गोलियां वोलियां टैबलेट्स दिख रही है आपको, तो उम्मीद करते हैं जल्दी सही हो जाएंगे वो। तो नेक्स्ट अपडेट है उर्फी जावेद से रिलेटेड। आपको पता है उर्फी जावेद फैशन के चलते काफी चर्चा में चलती, उनकी फैशनेबल चीजें तो आप देखते रह जाते हैं। तो ठगेश ने उनपे रिसेंटली एक रोस्ट वीडियो बनाया था, तो उस पर रिएक्ट करते उर्फी ने कहा कि तुम मेरे नाम पे पैसे कमा रहे हो, मेरे नाम पे व्यूज आ रहे तुम्हारे, और जो तुम मेरे फैशन को रोस्ट कर रहे हो तो पहले तो ये बता दो कि आपने फैशन की डिग्री ली कहाँ से। आपको मेरे नाम से पैसे कमाने से प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरे फैशन से प्रॉब्लम है। तो कुछ ऐसा रिएक्ट किया उर्फी जावेद ने ठगिश पे। नेक्स्ट अपडेट है मिस्टर के आर के से रिलेटेड। आपको पता है के आर के मूवीज के रिव्यूज देते रहते हैं, हालांकि ब्रह्मास्त्र पे उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया सिर्फ उनके कलेक्शन को लेकर। तो रिसेंटली उन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हाँ वाकई में लोग उनको कैसा मिस करते हैं, उनके रिव्यूज को कैसे मिस करते हैं। तो एक यूजर का रिएक्शन देखिए के आर के लिए। वो के आर के को अरेस्ट करवाए ऑन टाइम, अगर वो रिव्यू आता था ना तो इतनी पब्लिक भी नहीं आती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं के आर के को इतना मिस कर रही हूँ कि वो अंदर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं उनके रिव्यूज़ बहुत इन्जॉय करती थी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि उनके रिव्यू अगर आइनॉक्स या पीवीआर में डगा लेते थे ना तो 450 करोड़ उनकी रिव्यू कमा लेती थी, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है इस फिल्म से। खैर आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।